अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। जी आज मैं आपको एक हैंड क्लिनजिंग, फेस क्लिनजिंग, एक बड़ा अच्छा क्लिनजिंग सिखाने लगी हूँ। मास्क बताऊँगी जी, बनाना पील से हम इसको बनाना पील को यूज़ करेंगे। देखिए बहुत सारे इसके फ़ायदे बेनिफिट्स होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको हाथ शो करती हूँ बिकॉज मैं आपको फेस नहीं दिखाती, दैट्स वाई हम आपको सिर्फ हैंड पे अप्लाई करते हुए। आप इसको फुट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट चीज़ है और इसके फ़ायदे ये हैं जी, हमने बनाना का पील ले लेना है, उसका जब बनाना का हमने छिलका यूज़ कर लेना, जो सा उसका इनर पार्ट होता है वाइट वाला पार्ट, उसको हमने अपने हाथों पर पलना है, ठीक है। सिर्फ उसका वो मास्क हमने उसका बनाना है जी। उसके जो सा छिलका है उसके अंदर जी विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्किन को हमारी हाइड्रेट कर देगा, जो मॉइस्चर पैदा कर देगा, नरिश कर देगा हमारी स्किन को जी। और अगर आप चाहें तो बनाना को मैश करके भी अप्लाई कर सकते हैं, फेस पर भी और हैंड्स पर भी, फुट्स पर भी। और जी इससे क्या होता है कि जब वो सूख जाएगा तब आपने उसको उतारना है। ये देखिए जी, ये हमने बनाना ले लिया है, जो इसका वाइट वाला पार्ट है उसको आपने ऐसे करके अपने हाथ पर स्क्रब करते हुए जाना है। इसी तरह आपने फेस पे भी स्क्रब कर लेना है, इससे आपकी एक्ने भी हट जाएगी। अगर ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और डर्ट पार्टिकल्स जो उनसे होते हैं वो भी निकल जाएंगे, जो उनका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। एंटी एजनिंग है, इससे जो रिंकल्स वगैरह हैं वो भी दूर हो जाते हैं, स्किन टाइटनिंग हो जाएगी, ठीक है। और जी इसमें विटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं, जो से आप कोई कैप्सूल खाएं या कोई जो सी आपने इतनी महंगी महंगी मेडिकल स्टोर से जाके आप जो क्रीम्स बाय करेंगे, विटामिन ए और बी सी की क्रीम्स दे दें मैंने फेस पे अप्लाई करने, तो उससे बहुत आसान है कि आप इस छिलके की बनाना की पील लगा लें, बनाने का छिलका लगा लें, जिसके अंदर विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, और इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं जी। ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता, ऑयली स्किन जो सी होती है उसके ऑयल को कंज्यूम कर देगा, ख़त्म कर देगा बिल्कुल। इस तरीके से आपने इसको मल लेना है, एक ऐसे चिपचिपाहट सी आपके हाथ पे या फेस पे पैदा हो जाएगी। आपने इसको रेस्ट दे देना है 10-15 मिनट के लिए, रेस्ट दे देना है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो आपने हाथों को टिप्स को गीला करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। ये देखिए जी, हाथ बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, आप देख सकते हैं इतना फेस को बिल्कुल ग्लो ग्लो। ये जी मैंने 15 मिनट रखने के बाद हैंड को वॉश कर लिया था, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल डर्ट पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, स्किन में ग्लो आ जाती है, स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही फ्रेश फील होना शुरू हो जाता है। इसी तरह के मैं आपको लिंक्स नीचे भी दे दूंगी, मैंने और भी स्क्रब्स बताए हुए हैं, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैटरडे है, पैम्परिंग डे करें, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करें, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करें, अपनी स्किन का ख्याल रखा करें, उसको हाइड्रेट करने की कोशिश किया करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।